Hello dear children, in this video I will explain Out of Danger 15th chapter of Huckleberry Finn novel. Okay, that is of Mark Twain. And yes guys, आपके इसी Huckleberry Finn जो आपका novel है, इसके mostly chapters के question answers with explanation already upload हो चुके हैं channel पे. So आप वहां से जाकर के playlist में जाके check कर सकते हैं. अब चलते हैं अपने chapter 15 पे. Out of Danger means खतरे से बाहर. कैसे Huckleberry Finn को फील होता है कि वो खतरे से बाहर हो गया है. When they go abroad, कहते कि जब वो विदेश में जाते हैं तो जो किंग है वो उसका कॉलर पकड़ के हिला देता है. वो किंग उसके पास आता है और कॉलर पकड़ के उसको पूरी तरह से हिला देता है और बोलता है कि अच्छा तुम हमें दगा देने की कोशिश कर रहे थे, यू इडियट, यू पप, क्या तुम हमारे से ज्यादा परेशान हो गए हो, टायर्ड ऑफ आवर कंपनी, क्या तुम हमारे साथ से इतना परेशान हो चुके हो. आई सेड, मैंने कहा, नहीं नहीं मैजेस्टी, बिल्कुल नहीं, माई लॉर्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे दाता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता. क्विक देन, तो ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या आइडिया है, तुम क्या चाहते हो, अदरवाइज मैं तुम्हें फिर से पूरी तरह से पकड़ के हिला दूंगा. तो किंग उसको बुरी तरह से यहाँ पर डांटता है और बोलता है कि मुझे सच्चाई बताओ कि है क्या. आई सेड, मैंने कहा, व्हेन दे आर दे ऑल वर टूक बाय सरप्राइज बाय फाइंडिंग द गोल्ड, कहते कि जब वो सबके सब सरप्राइज हो गई, जब उनको गोल्ड मिल गया तो मैं उसका फायदा उठाकर वहां से भाग निकला. लेट आउट मीन्स भाग निकला. एंड आई वॉज विद यू, उसके बाद तो मैं आपके साथ ही था. इट डिडंट सीम एनी गुड, और ये बिल्कुल भी सही नहीं होता मेरे लिए अगर मैं वहां पर थोड़ा सा और रुक जाता. I didn't want to be hung. मैं वहां पर फांसी नहीं चढ़ना चाहता था क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वहां से भाग कर नहीं आता और मैं अपने कैनों के पास, अपने बोट के पास नहीं आता और उनको मैं वापस मिल जाता तो वो मुझे श्योरली क्या करते, मुझे पकड़ लेते और मुझे पकड़ने के बाद वो फांसी पर लटका देते. एंड सेड आई वॉज अफ्रेड ऑफ यू, और उसके बाद मैं आपसे भी तो डर गया था ना. एंड ड्यूक वर नॉट अलाइव, और ड्यूक जो है वो भी यहाँ पर नहीं बचा था. Now and I was awful glad. अब मैं जो हूँ वो भद्दी सी हंसी हंसते हुए कहता है, when we saw you coming, जब मैंने आप दोनों को यहाँ पर आते हुए देखा, you may ask Jim, तो तुम जो जिम से पूछ सकते हो कि मैं यहाँ पर आया हूँ. And I didn't stay, और मैं वहां पर नहीं रुका. It was so, यही सब था जो मैं मेरे पास था, इसके अलावा मुझे मेरे पास बताने के लिए और कुछ भी नहीं है. And the king told him, king उसको कहता है कि shut up, तुम सब झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. Oh, said, yes, it's mighty likely. हाँ, ये तुम्हारी बहादुरी है, ठीक है. वो उसको दोबारा से भी पकड़ कर हिला देता है. And said, उसको कहता है कि काउंट करना शुरू करो, रेकॉर्ड करना शुरू करो, 1, 2, 3 काउंटिंग करना शुरू करो एंड मैं तुम्हें यहाँ पर डुबो दूंगा. बट द ड्यूक, लेकिन यहाँ पर जो ड्यूक होता है वो कहता है, यू गॉट द बॉय, तुम्हें वो लड़का मिल गया था, यू ऑल इडियट, तुम हमें इडियट समझते हो, You all idiot, तुम idiot हो, तुम्हें वो लड़का मिल गया था, तुम हमें जानबूझकर नहीं बताना चाहते. Would you have done any difference? क्या तुम्हारे अंदर कोई बदलाव आया? Did you inquiry? क्या तुमने आसपास में उसकी इंक्वायरी की, जांच पड़ताल की कि वो कहाँ है? When you got loose, जब तुम वहां से छूट गए तो क्या तुम्हें रिमेम्बर है, क्या तुम्हें ध्यान नहीं है, याद नहीं कि वो कहाँ गया? So the king sneered, और इसके बाद इतना बोलने के बाद जो किंग है वो स्निग्ड, मतलब जैसे चोरी चोरी सी कहां पर, विगवाम, मतलब उसे हट के अंदर, झोपड़ी के अंदर जाता है और वहां से एक बोतल निकाल करके आता है. बोतल मतलब ये ड्रिंक की बोतल होती है जिसको पीने के बाद जो किंग वो कंफर्टेबल फील करना चाहता है. तो ड्यूक भी जो है took out his bottle, ड्यूक भी अपनी बोतल यहाँ पे निकाल के लेके आता, दोनों के दोनों यहाँ पर पीने के बाद काफी देर तक जो है वो स्नोरिंग, मतलब खराटे लेकर के एक दूसरे की बाजू पकड़ के यहाँ पर सो जाते हैं. एंड बोथ दे गॉट पावरफुल मेलो, और दोनों के दोनों जो है यहाँ पर बिल्कुल पावरफुल ऐसे हो जाते कि बहुत ज्यादा मीठा बोलने वाले हों. बट आई नोटिस, लेकिन मैंने नोटिस किया, जो किंग है डिडंट गेट मेलो इनफ, लेकिन मैंने देखा कि किंग जो है वो तो बिल्कुल भी मीठा नहीं बोल पाता था, मतलब बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आ रहा था, टू फॉरगेट, और वो भूल ही नहीं पा रहा था उस पैसों के बैग को. बट दे गोट टू स्नोर, लेकिन हाँ जल्दी ही वो दोनों के दोनों खराटे मारने लगे और लंबे टाइम तक जो वो गैबल, मतलब धीरे धीरे जो वो बात करते रहे. कौन बात करते रहे यहाँ पर? एंड आई टोल्ड जिम एवरीथिंग, मतलब हक और जिम दोनों आपस में बातें करते रहे यहाँ पर बिल्कुल आराम आराम से ताकि उनको पता ही ना चले. अब उन्होंने क्या किया? We dared not stop again at any town. अब उन्होंने बिल्कुल भी कहीं पर रुकना जो है वो सही नहीं समझा, वो वहां से भाग जाते हैं और कई दिनों तक जो वो कहीं भी रुकने की कोशिश नहीं करते, वो भागते रहते हैं. Kept right along down the river, river के साथ वो नीचे की तरफ भागते रहते हैं. So now the frauds, और अब इन दोनों को पता चल जाता है कि
ये जो वो खतरे से बाहर निकल चुके हैं एंड दे बिगिन, और वो दोबारा से गांव में जाकर के फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। एंड इट लास्ट, और लास्ट में दे बिगिन अ ले देयर हैंड्स, दोबारा से वो एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाल करके और उस विगवम में, उस हट में जाकर बैठ जाते हैं और फिर ढेर सारी बातें करते हैं कॉन्फिडेंशियल 2 or 3 hours, मतलब 2-3 घंटे तक वो बैठकर आपस में बातें करते हैं। जिम और वो दोनों जो है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि लोग उनका पीछा कर ही रहे होते हैं। वी जस्ट दे वर स्टार्टिंग अप सम काइंड ऑफ वर्स डेविलरी देन एवर, वो सोचते हैं कि जो लोग है, जो दुष्ट लोग है, डेविलरी मतलब जो बुरा व्यवहार उनके साथ कर रहे थे, वो लोग कहीं ना कहीं आसपास में उनको फिर से देखने को मिलेंगे। We got pretty scared, और वो दोनों के दोनों काफी डरे हुए भी होते हैं। Made up an arrangement, तो वो एक अरेंजमेंट करने की सोचते हैं। We wouldn't have anything in the world, वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है इस पूरी दुनिया में कि with their actions कि हम अपने action से, अपने काम से कुछ कर सके यहाँ पे। And if we ever go to, अगर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, the least show we would give them the cold shake, तो हमें लोग जो पकड़कर हिला देते हैं। And clear out and leave them behind, और ठीक है अब उन सबको हम छोड़ देते हैं, अपने पीछे छोड़ के आए हैं उनको छोड़ देते हैं, अब हम कुछ और करते हैं। अर्ली वन मॉर्निंग, अब जो अगली मॉर्निंग थी, अगली मॉर्निंग जैसे ही हुई तो दे हिट द राफ्ट, उन्होंने जो राफ्ट थी उसको, जो राफ्ट भी एक तरह से बोट टाइप होती है ना, जो राफ्टिंग करते हैं, राफ्ट करते हैं, आपको पता होगा रिवर के अंदर जो राफ्टिंग करते हैं ना, छोटी सी बोट टाइप की जो होती है, तो वो कहते हैं कि हम अपनी राफ्ट को जो यहाँ पर छुपा देंगे, ठीक है, सेफ प्लेस पे। और दोनों के दोनों ने यहाँ पर उस बोट को, उसको राफ्ट को यहाँ पर छुपा दिया, जो कि 2 miles बिलो, मतलब 2 मील नीचे था उस छोटे से शैबी से, मतलब उस अगली से दिखने वाले, उस भद्दे से दिखने वाले विलेज से 2 मील नीचे था, जिसका नेम क्या था यहाँ पर, पिक्सविल, ठीक है। उस पिक्सविल में वो जाकर के उसको छुपा देते हैं, उस पिक्सविल से 2 मील नीचे जो जगह होती है वहां पर जाके उसको राफ्ट को छुपा देते हैं। द किंग वेंट अशोर, और जल्दी ही फिर वो देखते हैं कि किंग जो है लहरों में से वहां पर आ रहा होता है। एंड टोल्ड अस, वो उनको बोलता है कि तुम सबके सब ना यहीं पर छुपे रहना जब तक कि वो टाउन में, जब तक कि वो शहर में जाकर के ये देख ना ले कि कोई उनको ढूंढ तो नहीं रहा है, कोई उनके लिए खतरा बन के उनके सामने तो नहीं आ जाएगा। तो उसने कहा कि एक कि अगर मैं दोपहर तक वापिस नहीं आता हूं, ठीक है, दोपहर तक अगर मैं वापस नहीं आता तुम्हारे पास, तो सोच लेना कि तुम्हारे लिए और ड्यूक के लिए यहाँ से निकलने में कोई भी खतरा नहीं है और तुम्हारे लिए सब कुछ सेफ है, तो तुम दोनों के दोनों यहाँ से निकल कर आ सकते हो। So I stayed where I was, तो जहां पर वो था वहीं पर वो रुक जाता है। अब ड्यूक जो है वो भी वहां पर पसीने पसीने हो जाता है, और ऐसे ये भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचता है कि किस तरह से हम अपनी बहादुरी दिखा करके यहाँ से निकले। बट ही इज कोल्ड, लेकिन जैसे वो कुछ भी करता, छोटी छोटी बातों पर भी बिल्कुल उसको जो है वो ड्यूक वो डांटता रहता, छोटी सी बात होती तब भी उसको डांट देता। एंड फाउंड फॉल्ट, उसकी हर छोटी बात में कोई ना कोई कमी निकाल देता था। आई वॉज ग्लैड, वो बहुत खुश होता है, हक बहुत खुश होता है जब दोपहर तक जो है वो कोई भी यहाँ पर नहीं आता और ना ही वहां पर किंग वापस आता। तो वो सोच लेते हैं कि ठीक है अब तो जो है ये हमारी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है, तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। अब वो दोनों के दोनों यहाँ से निकल लेते हैं ऑन द टॉप ऑफ इट। एंड सो द ड्यूक एंड आई वेंट अप टू द विलेज, और अब ड्यूक और वो दोनों के दोनों गाँव की तरफ चल पड़ते हैं। हंटेड अराउंड फॉर द किंग, और वो देखते हैं कि किंग के चारों तरफ जो है कोई हॉन्टेड अराउंड द किंग, किंग के चारों तरफ कोई था यहाँ पर हॉन्टेड था, मतलब कोई शिकार था। एंड बाय वी फाउंड हिम इन द बैक रूम ऑफ अ लिटल लो डॉगरी, और जैसे वो देखते उसके पीछे पीछे उसको वो जो है एक मतलब डॉगरी, मतलब जहाँ पर डॉग्स भी टाई होते वहां पर उसको देखता है, जो कि काफी ज्यादा टाई हो रहे थे, मतलब उनको बहुत बुरी तरह से बांध रखा होता है। एंड अ लॉट ऑफ लॉफर्स एंड बुल रैगिंग, मतलब यहाँ पर काफी सारे एनिमल्स भी होते जिनको यहाँ पर बांध रखा होता है, हिम फॉर स्पोर्ट, ताकि उसको सपोर्ट कर सके। एंड ही कर्सिंग एंड थ्रेटनिंग, और वो उसको जो वो श्राप दे रहा होता है, उसको धमका रहा होता है विद ऑल हिज माइट, जितना वो कर सकता है। एंड सो टाइट ही कुडंट वॉक, और उसने उसको इतना टाइट बांध रखा होता है कि वो यहाँ पे हिल भी नहीं सकता। एंड कुडंट डू एनीथिंग, और वहां पर कुछ भी नहीं कर पाता। सो ड्यूक जो है वो उसको डांटना, गाली देना शुरू कर देता है किंग को, और किंग भी उसको बदले में सॉस बैग, मतलब उसको जो है वो रूड बिहेवियर करता है, सॉस का मतलब यहाँ पर रूड बिहेवियर उसके साथ करने लगता है, उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, मतलब किंग जो है वो ड्यूक के साथ बुरा व्यवहार करता है, और जो
ड्यूक था वो किंग के साथ, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा गाली गलोच हो जाते हैं, गालियां देने लगते हैं, तो वो मतलब काफी देर तक उनके साथ इसी टाइम इसी पे लगे रहते हैं। तो इस लड़ाई का फायदा उठा करके हक यहाँ से भाग जाता है और वो रोड पे जो रिवर के साथ रोड होता है वहां से ऐसे भागता है जैसे कोई हिरण भाग गई हो, जैसे कोई डेर भाग गई हो। फॉर आई सी आवर चांस, वो देखता है कि यही अच्छा चांस है और वो फटाफट से वहां से भाग जाता है। और वो सोचता है कि आई मेड अप माई माइंड, कि मैंने पहले अपने दिमाग को पहले मैंने अपने मन में सोच लिया था दैट इट वुड बी अ लॉन्ग डे, ये बहुत लंबा दिन होगा बिफोर दे एवर सी जिम एंड मी अगेन, मतलब काफी लंबे टाइम तक जो है वो ये ड्यूक और ये किंग जो है वो जिम और मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। I got down there, वो दोबारा से भागकर वहीं पहुंच जाता है जहां पर जिम होता है। वो देखता है इधर उधर, set her loose, वो अपने आप वो क्या करता है यहाँ पर आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब बहुत ज्यादा हांफ रहा होता है, बट लॉडेड अप विद जॉय, लेकिन बहुत खुश भी होता है कि वो उनके चुंगल से छुटकर भाग आया है। एंड स्वंग आउट सेट हर लूज, और वो अपने आप को थोड़ा सा ढीला छोड़ता हुआ कहता है जिम वी आर ऑल राइट नाउ, जिम अब सब कुछ सही है, अब तुम आओ मेरे साथ और अब हम यहाँ से चलते हैं। बट देर वॉज नॉट एनी आंसर, लेकिन यहाँ पर तो कोई आंसर ही नहीं मिलता उसको। नोबडी केम आउट, कोई भी हट से बाहर निकलता ही नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि जिम को कि जिम अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं, हम यहाँ से निकल सकते हैं, तो चलो आओ यहाँ से। लेकिन हट में से तो कोई भी निकल कर नहीं आता। हट के अंदर वो जाता है, जाकर देखता है तो जिम वहां पर नहीं मिलता, जिम वहां से जा चुका होता है। अब यहाँ पर हक जो है वो चिल्लाने लगता है और चिल्लाता है और ज्यादा चिल्लाता है, क्राई करता है, रोना पीटना शुरू कर देता है। वो पूरे जंगल में ढूंढता है, कभी दिस वे एंड दैट वे, कभी इधर ढूंढता है कभी उधर ढूंढता है। वूपिंग एंड स्क्रीचिंग का मतलब चिल्लाने लगता है वो, ठीक है, मतलब बहुत परेशान हो जाता है, चिल्ला चिल्ला करके रोने लग जाता है कि अब वो कहाँ चला गया। बट कोई यूज नहीं होता क्योंकि और जिम जो यहाँ से जा चुका होता है। देन आई सेट डाउन, फिर वो बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है आई कुडंट हेल्प इट, मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाया अपने फ्रेंड की, बट आई कुडंट सिट अलोन, लेकिन मैं यहाँ पर और ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड को बचाना है, मुझे अपने फ्रेंड को ढूंढना है। तो ऐसा करते करते वो आगे निकल जाता है और तभी उसको एक लड़का मिलता है वहां पर घूमते हुए। वो उससे पूछता है, हक उससे पूछता है कि क्या तुमने किसी ट्रेन से दिखने वाले निगरो को देखा है। निग्रो यहाँ पर कौन है, जिम है, ठीक है। ये निग्रो एक जाति होती है, जो एक कम्युनिटी होती है, जो मतलब रंग जिनका बहुत काला होता है वो निग्रोज होते हैं। तो कहता है कि क्या तुमने किसी निग्रो को देखा है। तो जो लड़का जो घूम रहा था कहता है कि हाँ मैंने देखा है। तो अब हक उससे पूछता है वेयर अबाउट, वो कहाँ है, तुम्हें पता है वो कहाँ है जो अगर तुमने देखा है। तो डाउन टू सिलास क्लिफ्स, तो जो लड़का वो बताता है कि 2 मील नीचे, यहाँ से जो 2 मील नीचे है मैंने देखा था कि सिलास क्लिफ्स के पास एक लड़का है और वो जो वो रनवे निग्रो, वो भागा हुआ कोई निग्रो है, मतलब क्योंकि वो रनवे निग्रो कौन था, वो मिस वॉटसन का था, क्योंकि मिस वॉटसन से जो है वो छुपके भाग गया था। तो उसको हम यहाँ पर पूरे नोवल में रनवे निग्रो बोल रहे क्योंकि वो वहां से भाग गया था, भागा हुआ निग्रो है ये जिम। And they have got him, और उन्होंने उसको पकड़ लिया है। Were you looking for him? क्या तुम उसी को ढूंढ रहे हो? You bet I'm not. नहीं, शर्त लगा लो, मैं उसको नहीं ढूंढ रहा हूँ। I said, मैंने कहा। The boy told me. Now कहते उस लड़के ने उसको बताया कि एक old fellow stranger person है जिसने कि उसको $40 में बेच दिया है, जिम को जो $40 में किसी और को बेच दिया। After all this journey, अब यहाँ पर हक बहुत ज्यादा परेशान होता है कि इतना लंबा चलने के बाद, ठीक है, इतनी भागदौड़ करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता, came to nothing, कुछ भी नहीं हुआ, everything all busted, busted, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ रुइन हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। बट अब क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो उसको दोबारा से फिर वो जो है पूरे जीवन के लिए, पूरी लाइफ के लिए उसको अपना दास बनाकर रखेंगे, और वो भी स्ट्रेंज लोगों के बीच में, ना कि अपनों के बीच में, स्ट्रेंज लोगों के बीच में। $40 $40 कहते कि उन गंदे से $40 के लिए उन्होंने मेरे जिम को जो है वो बेच दिया, वो पूरी लाइफ के लिए दूसरों का दास बनकर रहेगा। तो इसको सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान होता है। अब हक जो है वो अपने आप से कहता है कि ये 1000 गुना बेहतर है कि अगर वो अपने ही घर पर दास बनकर रहे जहाँ पर उसकी फैमिली भी थी और जहाँ पर वो लंबे टाइम तक दास बनकर पहले भी रहा था।
क्योंकि मिस वॉटसन के पास वो पहले दास बनकर रहा था, उसकी पूरी फैमिली भी वहां पर स्लेव थी और वो भी था, तो वो वहां से बचकर भाग गया था मिस वॉटसन के अत्याचारों से बच के। तो अब वो सोचता है कि अगर स्ट्रेंज लोगों के बीच में वो जाकर के स्लेवरी करेगा, इससे बेटर है वो अपनी फैमिली के पास जाकर के वहीं पर स्लेवरी कर ले, मतलब वहां पर भी दास बनना है, यहाँ भी दास बनना है, कम से कम वो अपनी फैमिली के बीच में तो रह लेगा यहाँ पर। तो ये सोच करके जो हक है उसने क्या किया, उसने टॉम स्वेयर को लेटर लिखा, ठीक है, और उसने लिखा कि वो उसे बता दे, मिस वॉटसन को बता दे, ठीक है, क्या बता दे, आई सेट एंड रोट, वो बैठा और बैठकर लिखने लगता है, मिस वॉटसन आपका जो भागा हुआ निग्रो है जिम, वो जो है यहाँ पर 2 miles अवे नीचे पिक्सविल जो विलेज है वहां पर है, और मिस्टर फिलिप्स ने जो है वो उसको पकड़ लिया है और उसने उसको जो है He will give him up for the reward if you send. अगर तुम चाहो तो वो तुम्हें रिवार्ड के तौर पर इसको दे सकता है, ठीक है, मतलब अगर तुम चाहो तो तुम उससे फिलिप्स से जो है उसको जिम को ले सकती हो। I felt good. अब ये लेटर लिखने के बाद हक को बहुत अच्छा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि उसके सारे पाप धुल गए हों और उसको लगता है कि पहली बार उसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अलग सा काम किया है। तो वो अब सारी उन बातों को याद करने लगता है, उन सारे इंसिडेंट्स को याद करता है जब वो जिम के साथ होता है, तो याद करता है कि कैसे जिम सारा दिन सारी रात उसके साथ रहता था, कैसे वो उसके साथ फ्लोटिंग करता था, नाव में बैठता था, कैसे उससे बातें करता था, कैसे वो गाना गाता था, हंसता था, बोलता था, और कैसे जो है वो हमेशा उसके सामने उसकी जो भी परेशानी आती थी उसको दूर करता रहता था, और कैसे जो है वो दूसरों के लिए जो है वो मतलब बहुत बट ओनली द अदर काइंड, लेकिन दूसरी तरीके से वो उसको जो है सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देता था। उसको याद था कि ही हैड ऑलवेज कॉल मी, कि वो हमेशा उसको हनी बुलाता था, उसको हक नहीं बुलाता था, उसको हनी बुलाता था और उसको बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। एंड डिड एवरीथिंग ही कुड, और जो कुछ वो कर सकता था उसके लिए वो उसने किया था। वो उसके बारे में बहुत सारी बातें सोचता रहता है, हाउ गुड ही ऑलवेज वॉज, वो हमेशा कितना अच्छा था। तो जिम की सारी बातें याद करते करते वो कहता है कि जब मैंने उसको पहली बार उसको बचाया था तो उसको मैंने बोल दिया था कि भी इसको विदेश में मत भेजो क्योंकि उसको तो स्मॉल पॉक्स हो गया है, मतलब स्मॉल पॉक्स से एक बीमारी होती है ना, चेचक की बीमारी की वो हो गई है। तो इस ऐसा बोलने पर जो है उसने बहुत थैंकफुल फील किया था मेरे लिए, और उस दिन के बाद से ही जो जिम था वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया था। अब वो सारी बातें याद करने के बाद वो दोबारा से उस पेपर पे देखता है जिस पे उसने उस लेटर को लिखा था। जैसे वो उस लेटर को और नजदीक से पढ़ने लगता है तो डर के मारे कांपने लगता है, ट्रेम्बलिंग मतलब डर के मारे कांपने लगता है, और वो देखता है कि ये मैंने क्या कर दिया, I had got to decide forever, ऐसा मैंने कैसे डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, उसको बहुत नजदीक से देखता है तो उसकी सांसें रुक जाती है बिल्कुल, अपनी सांसें रोककर वो कहता है कि नहीं, मैं ये लेटर नहीं लिखूंगा और मैं वो सब करूंगा जो कि मुझे करना चाहिए, इसका मतलब आई विल गो टू हेल, मैं उस नर्क में जाऊंगा और मैं उसको बचाऊंगा, ठीक है। ही टोर इट अप, वो इस लेटर को फाड़ देता है और फिर वो क्या कहता है, वो उस वहां पर जाकर काम करने लगता है, कहता है कि मैं जाऊंगा वहां पर, मैं वहां जाकर काम करूंगा और अपने जिम को दोबारा से यहाँ पर बचा करके लेके आऊंगा, उन लोगों से चुरा करके लेके आऊंगा जो उनको दास बना रहे हैं दोबारा से। And if couldn't, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं कुछ भी जो हूँ वो कर सकता हूँ, आई वुड डू दैट टू, और मुझे जो भी करना है मैं करूंगा, लेकिन अपने फ्रेंड को यहाँ पर पूरी तरह से बचा कर लेकर आऊंगा। सो आई टुक द कैनो, तो इसलिए वो क्या करता है वहां पर चल पड़ता है, ठीक है। सो आई टुक, अब वो अपनी कैनो जो उसकी बोट होती है उसको बाहर निकालता है, उसको लहरों के अंदर साफ जो लहरें होती है उसके बीच में चलाने लगता है, और अब वहां पहुंच जाता है जहां पर फिलिप्स का प्लेस होता है, जहां पर फिलिप्स रुका हुआ था। तो वहां पर हिड माई बंडल इन द वुड्स, वो दोबारा से जो है वो जंगल में अपने उस बंडल को छुपा देता है, अपने उस कैनो को छुपा देता है, पहले उसको पानी से भरता है, फिर उसके अंदर रॉक्स को रख देता है, रॉक्स की वजह से वो मतलब भर जाती है, थोड़ी भारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में वहां पर डुबो देता है, और पानी में डूबने के बाद वो किसी को दिखाई ही नहीं देती, लोगों को लगता है कि वहां पर तो जो वो रॉक्स पड़ी हुई है, लेकिन एक्चुअल में रॉक्स के नीचे क्या होती है, उसकी कैनो होती है। तो ऐसे उसको छुपा करके और निकल लेता अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए। तो काफी माइल्स दूर वो चलता रहता है, जैसे वो चलता है तो आई सॉट अलोंग, तो एकदम से क्या है कि उसको कोई दिखाई देता है, ठीक है, उसको धक्का सा लगता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई धक्का सा किसी ने दे दिया हो, स्ट्रेंज फॉरवर्ड टाउन, तो टाउन की तरफ वो भागता रहता है। वेल, बहुत जल्दी उसको एक आदमी दिखाई देता है, लेकिन बहुत जल्दी उसको पता चलता है कि अरे ये तो आदमी ड्यूक ही है, ठीक है, जो कि नॉन सच, जो कि रॉयल जो पर्सन होते हैं, जैसे किंग होते हैं, राजा महाराजा, उनके लिए जो उसने नाइट में थ्री नाइट परफॉर्मेंस दी थी, तो उसके बाद से वो थोड़ा टायर्ड होता है और वो
स्टिकिंग अप अ बिल, और वो बिल के साथ वो चिपका हुआ था कि जो उसका बिल बन चुका था, जो उसको पेमेंट लेनी थी. ही लुक्ड एट मी एस्टोनिश्ड, वो बड़ी सरप्राइज होकर ड्यूक जो है वो हक की तरफ देखकर बोलता है, हेलो, अरे तुम कहाँ चले गए थे, कहाँ से आए हो, तुम्हें देखकर मतलब बहुत खुश हुआ. किंग ऑफ ग्लैड एंड ईगर, जो किंग है वो ग्लैड था, मतलब बहुत खुश था और बहुत एक्साइटेड था तुमसे मिलने के लिए. और तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारी राफ्ट कहाँ पर है, गोट हर इन अ गुड प्लेस, तुमने उसको अच्छी जगह पे तो रख दिया ना. आई सेड, मैंने कहा, वाई, दैट्स जस्ट दैट आई वॉज गोइंग टू आस्क, अरे यही तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ. अब हक उसको बोलता है, अब जो उसका जॉय होता है, जो उसकी हंसी होती है वो रुक जाती है. And what was your idea for asking me? तुम्हारा आइडिया क्या था मुझसे पूछने का? Well, I said, वो कहता है कि well, मैं तो ये पूछ रहा था ना कि when I saw, कि जब मैंने किंग को कल डॉगरी में देखा था, ये कल जब मैंने डॉगरी में देखा था वहां पर डॉग्स के पास जब मैंने उसको देखा था, तो मैंने अपने आप से तभी बोला था कि आई कांट गेट हिम होम, कि मैं उसे घर पे वापिस नहीं लेके आ सकता लंबे टाइम तक, जब तक कि उसका नशा ढीला नहीं हो जाएगा. So, और इसलिए मैं बाहर जो हूँ वेट करने लगा, मैं टाइम पास करने लगा. इतनी देर में एक आदमी आ जाता है, वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें 10 सेंट दूंगा और मेरे पास एक शिप है, ठीक है, शिप मतलब एक भेड़ है, और मेरी भेड़ को खींच के ले आओ और मुझे जो है राफ्ट में दूसरी तरफ छोड़ दो. तो उसकी वो कहता है कि वो जो स्ट्रेंज आदमी यहाँ पर आता है वो कहता है कि तुम मेरी शिप को पकड़ लो. तो उस शिप की जो रस्सी है वो उसके हाथ में थमा देता है और वो जाकर के फटाफट से उसमें राफ्ट में बैठ के वहां से गायब हो जाता है. कहता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग था, ताकतवर था, तो मैं उसको नहीं पकड़ पाया. जग्ड लूज एंड रन, उसने मुझे धक्का दिया, झटका दिया, जर का मतलब झटका देना, उसने उसको झटका दिया और लूज एंड रन और वहां से भाग गया. एंड वी आफ्टर हिम, और हम भी उसके पीछे पीछे भागते रहे. मैंने उसका काफी पीछा किया लेकिन मैं थक गया और मैं वहां पर उसको नहीं ढूंढ पाया. तो मतलब यहाँ पर ये स्टोरी बना देता है कि मेरी राख तो कोई चुरा कर ले गया. I never got him till dark, और अंधेरा हो गया तब भी मैं उसको नहीं ढूंढ पाया. Then I fetched him over, फिर मैं उसको जो हूँ यहाँ पर लेके आया. And I started down for the raft, और मैंने उसको राफ्ट को शुरू किया, मैंने उसको चलाया. When I went there and saw it was gone, और जब मैंने देखा तो वो वहां से जा चुका था. They have got into trouble and had to leave, अब वो वहां से जा चुके थे, ठीक है, यहाँ पर कोई भी नहीं था. They haven't got my negro, even उनको मेरा negro भी नहीं मिला, मेरा जिम भी नहीं मिला. And now I'm in a strange country, अब मैं किसी अजीब सी कंट्री में आ गया हूँ. And no way to make my living, और मेरे पास कोई भी काम भी नहीं है जिससे कि मैं अपना काम करके गुजारा कर सकूं, ना मेरे पास कोई पैसे हैं. So I sat down, इसलिए मैं बैठ गया और मैं रोने लगा. I slept in the woods, मैं जंगल में बैठ गया, जंगल में रोने लगा. पूरी रात मैं जिम को पुकारता रहा लेकिन मुझे जिम कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया. Blamed if I know, अब कहते कि अगर मैं जानता तुम मेरे ऊपर ब्लेम लगा देते. That's it, what's become of the raft, तो अब राफ्ट के बारे में बताओ कि राफ्ट का क्या होगा, राफ्ट कहाँ से आएगी. The old fool had made a trade, जो ओल्ड जो फूल था मतलब कहते जो मूर्ख आदमी था ना, वो बूढ़ा सा मूर्ख आदमी, वो जो है यहाँ पर एक व्यापार करके चला गया. एंड बोट $40, और उसने $40 जो वो ले लिए. एंड मैच्ड डॉलर विद हिम, और उसने उस डॉलर के साथ जब उनको मैच किया फॉर विस्की. एंड व्हेन आई गॉट हिम होम लेट लास्ट नाइट एंड फाउंड द राफ्ट गोन, और मैंने देखा कि राफ्ट वहां से जा चुका था और राफ्ट वहां पर अपनी जगह पर नहीं था. We said that little rascal has stolen. मुझे पता है कि उस छोटे से रास्कल ने उसको, जो रास्कल है ना मतलब उस बेवकूफ से पर्सन ने जो राफ्ट को चुरा लिया था. And shook us, और हमें बुरी तरह से हिला गया, हमारी राफ्ट को ले गया. Run off down the river, वो रिवर के तरफ जो वो चला गया. Fact is, I reckon we would कम टू कंसिडर हिम आवर निग्रो, हम उसको अपने हम मान सकते कि वो हमारे निग्रो को भी ले गया. यस वी डिड कंसिडर, हाँ बिल्कुल हम मान सकते हैं कि वो ही हमारे निग्रो को लेके गया है. सो गुडनेस नोज वी हैड ट्रबल इनफ फॉर हिम, ठीक है, तो अच्छा ही होगा कि अगर हम मुसीबतों को देखें कि हमारे सामने क्या मुसीबत आ गई है. सो वेन We saw the raft was gone, तो जब हम देखे कि हमारी राफ्ट चली गई थी. एंड वी फ्लैट ब्रोक, हम बिल्कुल टूट गए थे क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था. एंड नथिंग वॉज एंड वॉजेंट एनीथिंग फॉर इट बट टू ट्राई टू रॉयल नॉन सच अनदर शेक, और ऊपर से ये जो किंग था, ये जो रॉयल पर्सन है, इन्होंने भी हमें तो हिलाकर रख दिया कि ये भी हमारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे थे. एंड आई पैक्ड अलोंग एवर सिंस ड्राई एज अ
a powder horn. And where are those 10 cents? Give them here. अब वो कहता है, Duke कहता है कि अब बताओ मुझे तुम्हारे पास वो 10 cents कहाँ पर है, तुम मुझे वो दे दो. I had considerable money. अब वो कहता है उसके पास भी बिल्कुल यही मनी थी. So I gave him 10 cents. कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ वही मनी थी और वो मनी मैंने उसको दे दी थी. सिर्फ उसको बोला था कि तुम खाना ले आना. अब जैसे ही ड्यूक उसको बोलता है कि ठीक है तुम मुझे वो 10 सेंट दो जिससे कि जो वो तुम्हें दे के गया था, ठीक है. तो अब यहाँ पर ड्यूक बोलता है कि मेरे पास तो बस वो ही 10 सेंट थे और वो ही मैंने उसको दे दिए कि तुम जाओ और मेरे लिए भी खाना लेना. लेकिन ना तो वो खाना लेकर के आया और ना वो वापिस आया. तो कहते कि मैंने भी कल से कुछ भी नहीं खाया है. ही नेवर सेड एनीथिंग. वो उसने कभी कुछ भी नहीं कहा. द नेक्स्ट मिनट ही रिकल्ड ऑन मी एंड सेड. वो उसकी तरफ देखता है, कहता है डू यू रेकन, क्या तुम काउंट करते हो, दैट निग्रो वुड ब्लो ऑन अस, कि जो निग्रो है वो जो है वो यहीं पर जो वो क्या कर रहा होगा, यहाँ पे यहीं पर जो वो निग्रो होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर निग्रो मिलेगा यहाँ पर. तो वो कहता है कि वी वुड स्किन हिम इफ इफ ही वुड डू दैट. कहते कि मैं उसकी खाल खींच लूंगा अगर उसने कुछ भी उसको जिम को किया. हाउ कैन ही ब्लो, वो कैसे जो यहाँ से भाग सकता है, कैसे यहाँ से फरार हो सकता है. ही हैजंट ही रन ऑफ, हैजंट ही रन ऑफ, क्या वो वहां से भागने गया है, नहीं नहीं वो वहां से भागा नहीं है. द ओल्ड फूल सोल्ड हिम, कहते हैं उस बेवकूफ आदमी ने उसको बेच दिया है. एंड नेवर डिवाइडेड विद मी, और जितने में उसने बेचा है उसने जो है, एंड नेवर डिवाइडेड विद मी, वो मुझसे डिवाइड नहीं कर सकता. एंड मनी इज गॉन, और मनी भी जो है वो जा चुके, मतलब पैसा भी चला गया और उसने उसको भी बेच दिया. Sold him, उसको बेच दिया. I said and began to cry, फिर से रोना शुरू कर दिया. मतलब ड्यूक उसको कहता है कि उसने तो उसको बेच भी दिया, ना उसने मुझे पैसे दिए, और अब जो है वो यहाँ से चला भी गया है. तो ऐसा सुनकर के हक जो वो सरप्राइज होता है, वो रोने लगता है. Why he was my negro, अरे क्यों उसने मेरे निगरो की क्यों, that was my money, वो मेरे पैसे थे. Where is he, वो कहाँ है. I want my negro, मुझे मेरा निगरो चाहिए, मेरा निगरो चाहिए, मेरा पैसा भी चला गया, मैं निगरो भी चला गया, कहाँ चला गया. Look here, यहाँ देखो. Do you think you would venture to blow on us, तुम क्या सोचते हो तुम उसको यहाँ से छुड़ा सकते हो. Blamed if I think I would trust you, कहते कि मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ कि अगर अगर I think I would trust you, कहते कि मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ और मुझे तुम पर ट्रस्ट भी है. Why if you were to blow on us, कि क्या होगा अगर तुम वो चीजें हमारे सामने वो भेद खोल दो. तो he stopped, वो रुक जाता है. But I never saw the Duke looking so ugly out of his eyes before, उसने कभी भी जो है वो ऐसी भद्दी सी आंखें Duke की नहीं देखी थी. I went on whispering and said, वो जो है थोड़ा सा whispering करने लग जाता है, थोड़ा बड़बड़ाने लगता है और बोलता है I don't want to blow on anybody, कहते नहीं मैं तुम्हारा भेद किसी को भी नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बता सकते हो कि जिम कहाँ पे है. I have went got any time to blow, कहता मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बताता हूँ. I got to turn out and find my negro, और अगर तुम मुझे बताओगे कि मेरा निगरो कहाँ चला गया तो मैं उसको अपने आप से चुपचाप से ढूंढ लूंगा. He looked kind of bothered, उसे लगा कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है. तो he stood, वो खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है. And wrinkling up his forehead, at last he said, वो मतलब उसके माथे की तरफ देखता है, फिर वो उसको फाइनली बता देता है, कहता है कि I will tell you something, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा. We got to be there 3 days, कहते हैं हम 3 दिन से यहाँ पर हैं. And if you will promise, अगर तुम प्रोमिस करो कि तुम जो है यू वुडंट ब्लो, कि तुम किसी को नहीं बताओगे. एंड वुडंट लेट द निग्रो ब्लो, और ना ही तुम निग्रो को बताओगे कि किसने तुम्हारे बारे में बताया है, तो ही मैं तुम्हें बताऊंगा. I will tell you where to find him, मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कहाँ पर है. मतलब यहाँ पर जो ड्यूक है वो कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि निग्रो कहाँ पर, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम ना तो ये बात किसी और को बताओगे, ना ही तुम निग्रो को बताओगे. So I promise, तो यहाँ पर वो जो हक वो प्रोमिस करता है, और उसके प्रोमिस करते ही ड्यूक जो उसको बताता है कि अ फार्मर बाय द नेम, कि एक फार्मर है, एक किसान है जिसका नेम सिलास फिलिप्स है. अब इतना कहते कहते रुक जाता है ड्यूक, रुक जाता है. यू सी ही स्टार्टेड, अब वो देखता है कि उसने शुरू तो कर दिया बताना, लेकिन शायद उसको ट्रस्ट था नहीं था, तो वो फिर से रुक जाता है. लेकिन फिर वो थोड़ी देर में फिर से बताता है. आई रेकन ही वॉज चेंजिंग हिज माइंड, मुझे पता है कि वो अपना अपने आइडिया को चेंज कर रहा था उसको बताने के लिए, ठीक है. तो उसने दूसरे तरीके से बताना शुरू किया. He wouldn't trust me, शायद उसको उस पर ट्रस्ट नहीं था. He wanted to make sure of having me out of way the whole 3 days, वो चाहता था कि 3 दिन तक उसके साथ रहे.
सो प्रेटी सून ही सेड, तो इसलिए उसने जल्दी ही कहा, द मैन हु बोट हिम, कहते हैं मुझे पता है वो कौन आदमी जिससे उसने उसको खरीदा है, तो वो आदमी का नाम बताता है, उसका नाम क्या है, अब्राम फोस्टर है, अब्राम जी फोस्टर, हाँ वही, उसी ने जो है, ही लिव्स 40 miles बैक, वो जो है वो 40 miles मतलब 40 mile जो है यहाँ से दूर रहता है, हियर इन द कंट्री, इसी देश में, एंड ऑन द रोड ऑफ द लैक्ट्रेट, मतलब यहाँ पर उस रोड की तरफ वो बताता है कि कहाँ पर है, तो उसने ये बता दिया यहाँ पर कि जिम को किसने खरीदा है, पहले तो उसने बताया कि जिम जो है वो सिलास फिलिप्स नाम का पर्सन था, उसको मिला, उसने किसको बेच दिया, उसको यहाँ पर अब्राहम फोस्टर को बेच दिया, और वो कहाँ पर रहता है, 40 miles दूर रहता है इस गांव से, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा इन 3 days, ठीक है मैं 3 दिन में ही यहाँ पर चला जाऊंगा, एंड आई विल स्टार्ट दिस वेरी आफ्टरनून, और मैं बहुत जल्दी दोपहर में ही जो यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि वो 3 दिन के लिए वहां पर रुका हुआ है. नो नो वुडंट यू विल स्टार्ट नाउ, कहते हैं नहीं नहीं तुम दोपहर में नहीं जाओगे, तुम अभी शुरू करोगे, अभी जाओ यहाँ पे, अभी उसके पास जाओ, डोंट यू लोस एनी टाइम, कोई भी टाइम वेस्ट मत करना, नीदर नॉर टू एनी गैबलिंग, ना ही बातें करना, ना ही किसी के साथ तेजी से बोलना, बिल्कुल चुपचाप से जाना और जाकर के तुम उसको ढूंढ लो, देन यू वुडंट गेट इन टू ट्रबल, इसके बाद तुम मुसीबत में नहीं फंसोगे, ना ही तुम्हारी वजह से हम फंसेंगे. दैट वॉज द ऑर्डर, That was the order, और जो ड्यूक उसको ये order देता है, कहता है कि मैं यही चाहता हूँ, that was the order I wanted, और यही order जो है वो हक चाहता था कि ड्यूक उसको दे, और जैसे उसने सुना कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ जिम को ढूंढने के लिए, तुम ज्यादा मत बोलना, किसी को कुछ मत बताना, चुपचाप से उसको ढूंढ लेना, that was the one I played for, और यही तो था जिसके लिए उसने इतनी देर तक जो वो नाटक कर रहा था उसको होने की, आई वॉन्टेड टू बी लेफ्ट फ्री टू वर्क माई प्लान, और वो चाहता था कि अब वो फ्री हो जाए अपने प्लान के लिए, और इसके बाद जो है वो अपने फ्रेंड को ढूंढ ले. तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर.